राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ एयर एम्बुलेंस से उनकी बेटी मिसा भारती भी जा रही हैं। वहीं उनके परिवार के अन्य लोग पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिरने के बाद से लालू की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से पटना के पारस अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाने की तैयारी करने सुबह करीब 9 बजे बेटे तेजस्वी यादव अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद करीब 12 बजे पत्नी राबड़ी देवी भी पारस अस्पताल पहुंच गई थी, जिसके बाद करीब 4 बजे लालू प्रसाद यादव का परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो गया, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और राजश्री शामिल थी। दिल्ली रवाना होने से पहले पारस अस्पताल के बाहर तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों की दुआ काम आ रही है, लालू प्रसाद की तबीयत पहले से बेहतर हुई है, दिल्ली में इलाज होगा, वहां उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी चीजों की जांच कराई जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि यदि लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ ले जाया जाएगा।